का दम तो मेरे बराबर हो गया है। हाँ पापा, अब तो आपका जूता मेरे पैर में आने लगा है। आज तुझे देखते देखते 20 साल पूरे हो गए, तू शादी के लायक हो गया है बेटा। पापा, पेड़ जब कोई बड़ा होता है जब उसकी जड़ें मजबूत होती हैं, और आप मेरी जड़ हैं पापा। आई लव यू। लव यू बेटा। छोटे कागज हैं, ख्वाबों में गीत है, गीतों में जिंदगी है। दा बेटा कहाँ जा रहे हो? पापा बस दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, आधे घंटे में आ रहा हूँ। चलो ठीक है, जल्दी वापस आ। ठीक है पापा। अरे कहाँ हो बे, जल्दी आ जाओ, तुम्हारी भाभी वहां वेट कर रही है। हमेशा तुम दोनों का यही रहता है यार। चल ठीक है, जल्दी आ जा। हाँ तुम दोनों लोग यार, भाई रहते कुछ पता ही नहीं चल रहा यार। चल खबर पड़ गया था यार, जल्दी चल यार, तुम्हारी भाभी लेट कर रही है। भाभी फटाफट आ जा, चल बैठ। चलो बिल्कुल भाई। तुम्हारी भाभी इंतजार कर रही है, चलो मिलवाते हैं तुम्हें तुम्हारी भाभी से। ये साले मरवाएगा क्या तेरे बाप को, जानता है सारंग चौधरी? अरे कुछ नहीं, कुछ टेंशन मत ले, आ जा। मरवाएगा यार, बाप सब में यार। तुझ में रहूं मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे। हाँ तुझ में रहूं मैं इजाजत दे, जीने की मुझको आदत दे। मेरे इश्क को तू रखना खुद में हिफाजत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, भर देंगे मोहब्बत से। होते ही शाम तेरी गलियों में आना जाना, ऐसे ही चलता रहे तेरा मेरा मिलना मिलाना। चलो आगे बढ़ा। मदहोश मुझे ना कर देना,
होठों की रात से खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से, खाली खाली दिल को भर देंगे मोहब्बत से। और मजा आया फिर? बढ़िया है सब। चलो फिर मुलाकात करेंगे फिर। चलो भाई। पापा, क्या हुआ पापा, आप ठीक तो हैं? हाँ पापा, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। जानता हूँ, उस लड़की के बारे में, वही जो आज रेस्टोरेंट में थी। पापा मैं आपको बताने वाला था उस लड़की के बारे में, बहुत अच्छी लड़की है वो। देखो तुम अभी बहुत छोटे हो, अपने काम पर ध्यान दो, लोगों के चक्कर में मत पड़ो। पापा एक बार आप उसे मिल तो लें। नहीं तो बस नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ, तुम्हारे लिए क्या सही है क्या गलत है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, इसलिए दूर रहो ऐसे लोगों से। पापा मैं बड़ा हो गया और मैं जानता हूँ मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है, और मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ। बस जाओ यहाँ से, दूर रहो उनसे।
पापा अगर आपकी यही जिद है तो ठीक है, तो सुन लो, मैं उसके बिना मर जाऊंगा पर उसके बिना नहीं रहूंगा। आज देखा तुमने सावित्री, आज ये इतना बड़ा हो गया कि मुझे जवाब देने लगा है। तुम्हारे जाने के बाद मुझे लगता था कि मैं मर जाऊं, लेकिन जब इसके चेहरे पे मुस्कान देखता था तो मुझे जीने की नई रास्ते दिखाई देते थे, नई राह दिखाई देती थी, और आज ये मुझे जवाब देने लगा है। हाँ आ जाओ। दिल तन्हा है माना बुरा है तुझको बेगाना ये। क्या बोला तू? आज मैं ना तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी बता रहा हूँ, मैं रह नहीं पाऊंगा तेरे बिना, मर जाऊंगा यार, सच में बिलीव मी आई लव यू। मैं भी आपको बहुत प्यार करती हूँ, मैं भी नहीं रह सकती आपके बिना। पता क्या है, मैंने पापा से बात की और उन्होंने सीधे हम दोनों के लिए मना कर दिया। मना कर दिया? मैं तो खुश हो गई थी कि हमारे रिश्ते की बात पक्की हो गई होगी। मैं भी यही चाहता था कि हमारे रिश्ते की बात पक्की हो जाए, लेकिन पापा ने हम दोनों के लिए मना कर दिया और पापा ने सीधे बोला कि उस लड़की से दूर रहो। आपने उनको बताया क्यों नहीं कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ? मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया, मैं एक बार आप मिल तो लो, लेकिन उन्होंने सीधे साफ साफ मना कर दिया। देखो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन उससे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता हूँ। और मैं भी तो आपसे बहुत प्यार करती हूँ ना। मैं भी करता हूँ, लेकिन आप प्लीज बात को समझो। मैं बहुत प्यार करती हूँ आपसे। मैं भी आपसे ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग शादी कर लें। नहीं नहीं, मैं अपने पापा के बिना कुछ नहीं कर सकता। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मैं उससे ज़्यादा अपने पापा से प्यार करता हूँ, प्लीज समझो आप। मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बिना। आप जब तड़पता है कभी अपना कोई, खून के आंसू रुला दे बेबसी। जब तड़पता है कभी अपना कोई, खून के आंसू रुला दे बेबसी। जी के फिर जिसने जख्मों को नहीं जिंदगी ने जिंदगी भर गम दिए। पापा मैं जानता हूँ आपने मेरी वजह से कभी भी अपनी खुशियों का ख्याल नहीं रखा। पापा सुनो ना, पापा मैं आपकी पसंद से लड़की से शादी करूंगा, प्लीज पापा आप गुस्सा खत्म करो। पापा एक बात बोलो, दुनिया है आपको कभी मेरी वजह से तकलीफ नहीं होगी, प्रॉमिस पापा, आई लव यू पापा। लव यू बेटा। आई लव यू टू पापा। सॉरी पापा। क्या क्या पापा, अब ये रखो छोड़ो, अब ये सब मत,
और अब आपको पापा मेरी वजह से कभी तकलीफ नहीं होगी। सॉरी पापा, आई लव यू। अच्छा पापा मैं अब खाना लगाता हूँ और आप जल्दी आइए। अब ये रोना होना बिल्कुल बंद, कभी आपको तकलीफ नहीं होगी। आप आइए, मैं खाना लगाता हूँ। हमेशा हमें अपनी ही खुशी नहीं देखना चाहिए, हमें अपने माता पिता के बारे में भी सोचना चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए अपनी पूरी दुनिया अपने बच्चों में देखते हैं। और शायद पापा तो कभी प्यार दिखा भी नहीं पाते हैं, क्योंकि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से और कितनी उम्मीद से अपने बच्चे को पालते हैं। और जब वही बच्चा बड़ा होकर उनकी बात नहीं सुनता है तो पापा अंदर ही अंदर टूट जाते हैं और सारा दर्द अपने दिल में समेट लेते हैं। शायद इसलिए पापा लोगों को ही हार्ट अटैक आता है, क्योंकि वो सारा दर्द अपने दिल में समेट लेते हैं और कभी बता भी नहीं पाते हैं। इसलिए प्यार करो, अच्छी बात है, पर सबसे पहले अपने मम्मी पापा से प्यार करो, क्योंकि ये जीवन उनका दिया हुआ ही है।